Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra, I'm an overseas education consultant and a career counselor. आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ऑस्ट्रिया जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तब आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और किस किस डॉक्यूमेंट की आपको सॉफ्ट कॉपी अरेंज करके इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन में अटैच करनी होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा कि हर कंट्री के केस में होता है, आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, जैसे कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इन केस अगर आप मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने बैचलर्स प्रोग्राम के हर सेमेस्टर की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अलॉन्ग विद डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन केस अगर आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है तो एडवाइजेबल है कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ वो भी अटैच करें। अदर देन दिस, अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो मेक श्योर कि आप अपने प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं। एप्लीकेशन में एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा इट इज मैंडेटरी कि आप अपने पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट पेज और लास्ट पेज। व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय फ्रंट पेज इज द पेज जिसमें आपकी फोटो रहती है एंड लास्ट पेज जिसमें आपका एड्रेस रहता है, ये दोनों को आप जरूर अटैच करें। इसके अलावा फिर आप दो लेटर ऑफ रेफरेंसेस या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं वो अरेंज कीजिए। ये आपके स्कूल से भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके कंपनी जिसमें आप जॉब कर रहे हैं वहां से भी हो सकता है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी जरूर अटैच कीजिए। अदर देन दिस, लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको कहते हैं वो भी आप जरूर अटैच कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट व्हाई एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अलॉन्ग विद व्हाई ऑस्ट्रिया एंड नॉट अदर कंट्रीज। फ्यूचर प्लान भी आप अपना जरूर डिस्कस करिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं उस प्रोग्राम को करने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। आप एक रेज्यूम भी प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज परसेंटेज के साथ सारी क्वालिफिकेशन को मेंशन करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस को जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप मेंशन करेंगे एंड इसको भी अपनी एप्लीकेशन पैक में जरूर अटैच कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी लगाना है। अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो मेक श्योर कि आप रिलीविंग लेटर के साथ में लगा रहे हो ताकि आपका प्रोफाइल और स्ट्रांग बने और जेन्युइन लगे। अदर देन दिस, लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर इज कि आपको अपने एप्लीकेशन के साथ एक स्काइप आईडी भी मेंशन करना पड़ता है ऑस्ट्रिया में एप्लीकेशन करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूशन जहां पर एप्लीकेशन कर रहे हो वहां के रिप्रेजेंटेटिव आपका एक इंटरव्यू लें। So I hope this video will help you in making your application process more easier. And अगर आपको कोई भी query है, you can feel free to contact us. And please हम लोगों को आप office hours के दौरान ही contact कीजिए so that we can make sure that we revert back to you as soon as possible. 10 a.m. से 7 p.m. Monday से Saturday. And I would request you कि आप हमारे channel को subscribe कीजिए, नीचे दिए bell icon को भी hit कीजिए, videos को like कीजिए, share कीजिए. May God bless you. I wish you a very, very happy learning.